वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम आपकी SST जो क्लास 9 की SST है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका जो चैप्टर है, वैसे तो जो न्यू बुक आई है, न्यू बुक में आपको चार बुक आपको मिलेंगी। पहले जो पुरानी बुक हुआ करती थी वो पूरी कंबाइंड किताब थी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की, बट अभी जो आपकी जो न्यू बुक आई है SST की, वो आपको अलग अलग जो सेक्शन में डिवाइड कर दी उन्होंने। एक हिस्ट्री की है, कंटेम्प्रेरी इंडिया सिविक्स की है, और ज्योग्राफी की है, और इकोनॉमिक्स की है। तो सारी बुक्स को तो कवर करना मुश्किल है, तो हम जितना हो सकेगा हम कवर करेंगे। एक एक चैप्टर जो है हर बुक में से हम लेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स में से एक चैप्टर लेना चाहेंगे, जो लास्ट चैप्टर है उसका। जो आप सीक्वेंस पे ध्यान ना दें, आपको कोर्स से मतलब है, आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट जो है वो होना है। तो चाहे हम ऊपर से करें या नीचे से करें, दैट डजंट मैटर। सो इकोनॉमिक्स में हम लास्ट चैप्टर लेने वाले हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक्स की आप बुक देख लें यहाँ पर, तो उसका लास्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी, है ना। फूड सिक्योरिटी आप देख लें, जो लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है, फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको खुद देखने में लग रहा होगा कि जो यहाँ पे किसी सिक्योरिटी की बात हो रही है, है ना, किसी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात है। बस सिक्योरिटी किस चीज़ की हो रही है, सिक्योरिटी फूड की हो रही है ना। तो यहाँ पे ये इस बारे में हम बात करना चाहेंगे, कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। इसकी डेफिनेशन हम देख लें। फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 square meal। दैट मीन्स फूड को हम किस तरह से स्क्वायर सिक्योर कर सकते हैं, है ना, सिक्योर कर सकते हैं और इसको हम बचा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी वही होता है, कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे वही लिखा हुआ देखिए, फूड सिक्योरिटी इज समथिंग दैट गेटिंग 2 square meal। और इसके अगर हम बात करें, एक और डेफिनेशन बोल दें, अब यहाँ पे तीन डायमेंशन यहाँ पे इसके इर्द गिर्द आते हैं। तीन डायमेंशन मतलब तीन फैक्टर्स हैं जो इस पे खड़े हुए हैं फूड सिक्योरिटी पर, जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। इन द बिगिनिंग ओनली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द 3 dimensions ऑफ फूड सिक्योरिटी। द फर्स्ट डायमेंशन इज अवेलेबिलिटी, सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी, और थर्ड इज एफोर्डेबिलिटी, है ना। तीन डायमेंशन पे यहाँ पर ये फूड सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो फर्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से आपको समझ में आ रहा होगा अवेलेबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में हमारे पास वो चीज़ है, अवेलेबल है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना खाना। जैसे मान लीजिए हम खाना है, अब खाने की तो बरसात कोई आसमान से होती नहीं है, हमको खाना स्टोर करना पड़ता है। स्टोर करने के साथ साथ में कोई भी है, फूड ग्रेन्स है, वीट है, क्रॉप से कुछ भी है, तो हम स्टोर करके रखेंगे तो ही हमारे पास वो चीज़ें सिक्योर होंगी। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। अवेलेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ सफिशियंट फूड और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर स्टॉक। प्रोडक्शन सफिशियंट फूड मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए जो वीट आ रहा है, जो राइस आ रहा है, वो ये कहाँ से आता है, ये कोई आसमान से तो आता नहीं है। हमारे किसान लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में जो है ये उनका जो क्रॉप्स है, ये सरकार उनको जो है खरीद लेती है, और खरीदने के बाद में फिर सरकार जो है अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये वही है प्रोडक्शन ऑफ सफिशियंट फूड, पर सफिशियंट फूड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमें पता है कि हमारा इतना जो है, मान लीजिए हमारे एक महीने में इतना प्रोडक्शन लग रहा है, इतना अवेलेबिलिटी है हमको, और हमसे हमारे पास में उससे कम है, तो वो हमारी अवेलेबिलिटी नहीं हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक। इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारे पास कितना है, कितना हमारे पास खाना आ रहा है, कितना हमारे पास फूड ग्रेन है, और उसके बाद में यह है कि हमने प्रीवियस ईयर में कितना बचा के रखा है, पहले से पिछले साल में, है ना, पिछले साल के मुताबिक हमारे पास कितना ग्रेन्स बचा हुआ है, कितना फूड हमारे पास बचा हुआ है, ये मैटर करता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अवेलेबिलिटी मुझे समझ में आ रहा है कि आपको आ गया होगा समझ में अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है। अब एक्सेसिबिलिटी की बात कर लें। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, मतलब ये है एक्सेसिबिलिटी, मतलब सारे जो खाना है, जो फूड है, वो सारे लोगों के रीच में होना चाहिए, सारे लोगों को एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस होना चाहिए मतलब सारे लोग उसको पा सकें खाने को, और फूड सबके पास हो, ये मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी का। एवरी रीच ऑफ एवरी पर्सन का मतलब क्या, सारे पर्सन के रीच में हो, है ना, जिस जो फूड है उनके पास में हो, उनके कम से कम एक एक्सेसिबिलिटी की रेंज हो, ताकि वो फूड को गेन कर सकें, ये मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी का। अब यहाँ पे हम एफोर्डेबिलिटी की बात कर लें। एफोर्डेबिलिटी मतलब क्या होता है, एफोर्डेबिलिटी आप सामने देख रहा होगा, लिखा होगा। तो एवरीवन हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। एफोर्डेबिलिटी मतलब हम बोलते ना किसी भी चीज़ को हम एफोर्ड कर रहे हैं। एफोर्ड मतलब क्या होता है, एफोर्ड मतलब किसी भी चीज़ को हमको एफोर्ड करना है, पाना है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम कोई भी खाना खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई भी है, वीट खरीद रहे हैं, ग्रेन्स खरीद रहे हैं, राइस है ना, बाजरा है, सोयाबीन है, कुछ भी चीज़ हम खरीद रहे हैं,
तो वो हमारे एफोर्डेबिलिटी के रेंज में भी आना चाहिए, एफोर्ड हम कर सकें, और साथ में न्यूट्रिशियस और सफिशियंट होना चाहिए। न्यूट्रिशियस और सफिशियंट नहीं होगा तो हम उस चीज़ को जो हमने पा लिया है, गेन कर लिया है, वो कोई मतलब का नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी भी हो गई, अवेलेबिलिटी भी हो गई, और एफोर्ड जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए सेफ भी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। न्यूट्रिशियस मतलब हमारी बॉडी के लिए अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा नुकसान ना हो उसके खाने से, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ें हमें देखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि फूड सिक्योरिटी कितने डायमेंशंस पे खड़े हुए हैं, तीन डायमेंशंस पे, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये तीन डायमेंशंस हैं जिस पे जो फूड सिक्योरिटी है ये खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि वाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। इसका रीज़न भी हम देख लें, पॉपुलेशन रिक्वायर्स फूड फॉर सर्वाइवल, क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों, क्योंकि हमारी जनसंख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनको क्या चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको फूड चाहिए, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। आप तो जानते ही हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए जितना पानी आवश्यक होता है उतना ही फूड भी आवश्यक होता है। फूड अगर हमारे बॉडी में जो है नहीं जाएगा, फूड हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी और हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सेम है कि हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, खाना। तो ये बात आप ध्यान रखें, फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, बट मे बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग कैलेमिटीज़, पर आपने ये भी देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि फूड हमारे ठीक है, ये तो मान लिया, पर नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह जब आती हैं, है ना, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय जो फूड है वो भी इनसिक्योर हो जाता है। जैसे मान लीजिए फ्लड हो गया, फेमस हो गया, फेमाइन हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ऐसे अर्थक्वेक अकबर, कुछ भी जो भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड ही है मान लीजिए, कोई बाढ़ आ गई है ना, बाढ़ आने के बाद में जैसे कि आपने देखा है कि सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, सबसे बड़ा खतरा होता है साफ़ पानी पीने का। साफ़ पानी हमें अवेलेबल नहीं होता है, और खाना भी मिलता है तो हमें खाना पकाने की जगह नहीं है, और खाना है तो वो भी इनसिक्योर है, है ना, कच्चा ही खाना खा रहे हैं, पका नहीं पा रहे हैं हम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नेचुरल कैलेमिटी के वक्त भी हमारे पास आ जाती हैं। तो ये हमें देखना है कि किस तरह से इनसिक्योर फूड भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। फूड सिक्योरिटी मस्ट बी अ प्रायोरिटी, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि फूड सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। प्रायोरिटी मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें उस चीज़ को देना है, किसको देना है, फूड सिक्योरिटी को देना है। फूड सिक्योरिटी को जितना हम प्रायोरिटी देंगे, जितना हम इंपॉर्टेंस देंगे, उतना ही हमारे लिए एसेंशियल होगा, उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले समय में जितना ही हम स्टोर कर सकें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने पानी के बारे में भी पढ़ा होगा कि पानी को किस तरह से हम स्टोर करते हैं, पानी कितनी कमी होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा, किस तरह से हाउ टू स्टोर द रेन वाटर इन योर होम ऑल्सो एंड अदर एरियाज ऑल्सो, किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं, और ये पानी को बचाकर हम किस तरह से इरीगेशन फैसिलिटीज़ में या फिर अपने कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही सेम एग्जांपल फूड का भी है, फूड को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं, किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, आने वाले समय के लिए हमें जो काम आएगा, ये हमें देखना है। अब आगे देखते हैं, हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग कैलेमिटी, है ना, कैलेमिटीज़ के समय फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्टेड हो जाती है, ये हमें देखना है। देखा होगा फूड से, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड हो गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, पर ये सबसे भयानक जो है कैलेमिटीज़ हैं, अगर ये आ जाती हैं तो फूड सिक्योरिटी भी अफेक्टेड होती है। जो हमने फूड सिक्योर किया हुआ सपोज मान लीजिए उसको भी अफेक्ट होना ही है। तो यहाँ पे हम देख लें क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, सपोज अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी है, ओके, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर आती है तो नेचुरल कैलेमिटीज़ आने के समय जो हमारे पास फूड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, इंक्रीज नहीं हो जाता, डिक्रीज हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ बता रहा हूँ आप ध्यान सुन लें, इसके जो आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं जो उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं देना है, जो आप समझ रहे हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई इतना बाउंडेशन नहीं है, बट सही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो फूड प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। जो हमने प्रोडक्शन बाहर से आ रहा है, सपोज मान लीजिए गुजरात से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, तो वो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसका जो इंटरकनेक्टेड वेरियंट है वो जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड तो होगा ही, खाने का जो बहुत सारा कमी पड़ जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय आपने देखा है अलग अलग एरियाज़ में जो है बाढ़ वगैरह आती है, तो आपने देखा है कि फूड पैकेट्स वगैरह गवर्नमेंट जो है हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, क्योंकि वहां पे पानी की तो कमी होगी, उसके साथ साथ में खाने की सबसे ज्यादा कमी होती है। खासकर सिक्योर खाना और सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड खाना, ये बहुत बड़ी एक जो है शॉर्टेज वहां पर देखने को हमें मिलती है। प्राइजेस को अब सबसे बड़ा रीजन और है कि एक चीज और देखी गई है, प्राइजेस गोज अप।
जो दाम होते हैं जो चीज़ों के, मान लीजिए सब चीज़ की कमी तो हो गई, कमी होने के बाद क्या होगा, दाम इंक्रीज हो गया, जो है उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, एंड सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द फूड। और सारे लोग, आपने देखा है अमीर लोग तो सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को परचेस कर सकते हैं, सब हो सकता है, बट दूसरे जो लोग हैं सारे लोग इसको परचेस नहीं कर सकते, सारे लोग उसको देख नहीं सकते, सारे लोग उसको खरीद नहीं सकते, ये हमने देखा गया है। पर ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर आती हैं तो अपने आप प्रोडक्शन इसका जो है डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने के बाद में प्राइसेस हमेशा ऊपर जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आपने भी देखा होगा मार्केट में, कभी कभी प्राइसेस अचानक ऊपर हो जाते हैं बरसात वगैरह के बाद में, ये आपने देखा है। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज़ के बारे में और बात करेंगे, फेमाइन, फेमाइन के बारे में और बात करेंगे। फेमाइन क्या होता है, देखिए फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। फेमाइन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिसीज़ है जो कि किससे हम वो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, डेथ से, वाइड स्प्रेड डेथ। वाइड स्प्रेड डेथ मतलब बहुत सारी, इतनी सारी मृत्यु हो जाती हैं फेमाइंस में कि हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं, और सोचने के साथ साथ में ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशन मतलब भूखमरी से, भूख से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं, खाना मिल नहीं पाता है प्रॉपर, और खाना नहीं मिलने प्रॉपर वजह से जो क्या होती है, डेथ हो जाती है, डेथ के जो है, और एपिडेमिक्स भी हो सकती है, एपिडेमिक्स बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एपिडेमिक्स भी होते हैं। ओके, कॉज्ड बाय फोर्स यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। एपिडेमिक्स कैसे आते हैं, महामारी कैसे फैलती है, महामारी जब फैलती है, जैसे मान लीजिए हमने कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर लिया, कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है गंदा पानी पी लिया हमने, जैसे कि मैंने फ्लड का एग्जांपल लिया था, बाढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ वगैरह में क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, पानी पीने का जो है साफ पानी हमें नहीं मिल पाता पीने के लिए, एंड डिकेइंग फूड, सड़ा गला हमने खाना खा लिया है ना, जो है सड़ा खाना खा लिया, या तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, और इस वजह से क्या होता है, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप कम होते जा रहा है, उसके साथ में बॉडी में वीकनेस आ रही है, वीकनेस के बाद में क्या होगा, वीकनेस के बाद में डेथ हो जाएगी है ना, कोई भी इंसान की। तो यही सबसे ज़्यादा हम किस में हम इसको वो कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसको हम फेमाइन बोल सकते हैं। फेमाइन आप ध्यान रखना, फेमाइन में इतना कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फेमाइन में आप बोल सकते हैं कि भाई ऐसी चीज़ है, कोई एपिडेमिक्स महामारी वगैरह आ गई जो कि हमने कंटेनमेंट वाटर और या फिर डिकेइंग फूड की वजह से जो है बहुत सारी डेथ होने लगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेमाइन बोलेंगे। इतना आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कुछ बताई हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स इसमें और हैं जो मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे बफर स्टॉक वगैरह के बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ये पार्ट वन है। तो पार्ट वन में हमने कुछ आपको चीज़ें बताई हैं, पहले फूड सिक्योरिटी के बारे में डेफिनेशन बताई है, और उसके बाद में देन आफ्टर देन डायमेंशन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। फेमाइंस के बारे में भी बताया है किस तरह से डिक्रीज होता है, फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, तो कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप किए हैं पार्ट सेकेंड में, और हम जो है आपके लिए इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करेंगे। टिल देन प्लीज सी एंड visit this video again. Thank you.